नमस्कार, मैं अपने पूरे भारतवासियों से मैं एक आग्रह कर रहा हूँ। हमारे जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं, 21 दिन का लॉकडाउन लगाए, इतना दिन में जनता ने इतना परेशान हो गया, अब ये क्या कर रहे हैं, फिर अब 49 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। इससे तो हो सकता है कुछ कोरोना से मर जाएगा, कुछ ऐसे ही मर जाएगा। सरकार क्या सोचेगी, चलो कोरोना से ही मर गया है। सरकार ये नहीं सोच रही है, सरकार बैठक लगा रही है कि कोरोना का बढ़ाया जाए, लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, ठीक है, लेकिन सरकार को इसमें भी तो विचार करना चाहिए कि जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके ऊपर भी तो बैठक लगाना चाहिए कि इनको सुरक्षित इनके घर पहुंचा दिया जाए। इस पर बैठक नहीं लग रहा है, खाली खाली देश को लॉकडाउन बढ़ाने के लिए बैठक लग रहा है, अपने घर में कोच रहा है, खूब तड़का पुलाव पनीर छोला ये सब खा रहा है। हम लोग का कुछ नहीं, हालचाल भी नहीं पूछ रहा है कि हाँ तुम लोग खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हो। खाना लेने के लिए जाते तो बोलता है कि इतना ही मिलेगा भाई, जितना मतलब पेट भी नहीं भर रहा है, और दिन ब दिन लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अरे हम लोग घर सुरक्षित पहुंचा देना, तू साल भर के लिए लॉकडाउन लगा दे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। विदेश से हेलीकॉप्टर भेज भेज के मंगवाया और यहाँ के आम नागरिकों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, उसको लिए नहीं सोच रहा है उसको हम घर भेजें कि नहीं भेजें, यहाँ मर रहा है तो मरने दो, लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा। अरे हम लोग को सुरक्षित घर पहुँचा दे हेलीकॉप्टर में भर के। अरे विदेश से मंगाने के लिए भेजने के लिए मंगाया, भर के ले आया, यहाँ से नहीं गाँव पहुँचा सकता है। जब देखो तब देखो लॉकडाउन बढ़ा रहा। अरे ठीक है लॉकडाउन बढ़ाओ, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 21 दिन में तो इतना हाल हो गया, घर में आदमी कैसे रहेगा, मर जा रहा है एकदम बिल्कुल। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ मोदी जी कि आप इतना से रिक्वेस्ट करिए कि जो भी हमारे यूपी और बिहार के जो भी मजदूर भाई लोग हैं, इन लोगों का कम से कम सुरक्षित इन लोगों का घर पहुंचा दीजिए। बाकी आप 49 दिन के लिए क्या पूरे 12 महीने तक लॉकडाउन करिए, हमसे उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम पिंजड़े में बंद है ना, अब दम घुट रहा है, कोरोना से तो छोड़िए ना, हम ऐसे ही मर जाएंगे, इसका जिम्मेदार आप होंगे। आप यहाँ हम तड़प रहे हैं, वहाँ हमारा बाल बच्चा सब तड़प रहा है, कैसे है कैसे नहीं आपको क्या फर्क पड़ रहा है। आप तो अपने घर में ऐश मौजी से रह रहे हैं, अगर आपके माँ अगर मर जाएगी तो रह हेलीकॉप्टर लाओ, रहे अपनी माँ के जाता हूँ, अगर हमारे घर वाले को कुछ हो जाएगा हमारे बाल बच्चे को तो हम एक पल के लिए सोचेंगे कि हम जाए तो जाए कैसे, लेकिन इस पर आपका कोई विचार नहीं है, खाली लॉकडाउन बढ़ा दिए। ठीक है लॉकडाउन बढ़ाओ, हम उससे कोई वो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे को सुरक्षित हमारे घर पे पहुंचा दीजिए, उसके बाद आपको लॉकडाउन लगाना है लगाइए, उससे मेरे को मतलब नहीं है, साल भर लगा दीजिए ना।